स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पोर्टल एंड जॉब नोटिफिकेशन में। दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे आपको RS अग्रवाल बुक का मैथ भी मिलेगा और रोज के रोज टुडे करंट अफेयर का भी क्वेश्चंस मिलता रहेगा। दोस्तों आज हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में, जो कि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बैंक हो, SSC है, बिहार पुलिस है, RRB है, तो इन सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ प्रश्नों को और कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग रट लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये जरूर से जरूर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव वर्ष 2013 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये गुजरात के नर्मदा जिले में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात के नर्मदा जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर और 597 फीट है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर ऊंचाई है और 597 फीट, अगर फीट में पूछे तो 597 और मीटर में पूछे तो 182। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसका नाम था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो 153 मीटर ऊंचा था, लेकिन अभी जो गुजरात में बना है वो 182 मीटर ऊंचा है। तो देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने द्वारा तैयार किया गया है? शिल्पकार राम सुतार द्वारा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन शिल्पकार राम सुतार द्वारा तैयार किया गया है। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, कोशिश कीजिए कि ये सभी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो ये कंपनी है L&T लॉरेंस एंड टूर्बो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। L&T के चेयरमैन कौन है? AM नाइक। L&T के चेयरमैन AM नाइक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को, यही हाल ही में जो 31 अक्टूबर गया है उसी के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह इसका उद्घाटन किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था?
15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो यह 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड गुजरात में हुआ था, और इसी के दिन 31 अक्टूबर 2018 को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हो गई थी? तो 15 दिसंबर 1950 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री, तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था दिया था कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1931 में कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में कराची अधिवेशन में चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न 1991 में दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो बरदोली की महिलाओं द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ 23 प्रश्न हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आने वाले एग्जामों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये क्वेश्चंस को पूरा अपने माइंड में बैठा लें, क्योंकि यह सब क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में।